सरकार आज तक ऐसी नहीं आई जिसने लोगों को तीर्थ यात्रा करवाई हो इस तरह से, और वो भी दोस्तों असल वीडियो अब शुरू हो रही है। केजरीवाल जी और पंजाब सरकार को ये लग रहा है कि ये यात्रा उन्होंने स्वाब के लिए शुरू की है, क्योंकि आज हम मीडिया पे जब भी किसी मुसलमान की पहचान देखते हैं तो उसमें यही दिखाया जाता है कि मुसलमान दरगाहों पर मज़ारों पर जाने वाला है। इसीलिए इन्होंने इस यात्रा को और रहने पीने और खाने को फ्री कर दिया। ये तो बेचारे वो लोग हैं जिन्हें दीन इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ देखा है। लेकिन आज का मुसलमान सब कुछ जानते हुए भी इन हराम कामों का हिस्सा बनता है, क्योंकि ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने यहूदियों पर लानत फरमाई क्योंकि उन्होंने अपने नबियों की मज़ारों को, दरगाहों को सजदागाह बनाया, मेले ठेलों की जगह बनाया, और फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए मेरी दरगाह को मेले की जगह मत बनाना। दोस्तों सोचने की बात यह है, जिस नबी से दीन इस्लाम की शुरुआत होती है, जब उस नबी की कब्र पर मेला लगाना जायज़ नहीं, तो फिर किसी और कब्र पर मेला लगाना कैसे जायज़ हो सकता है। और आज का कोई भी मुसलमान इस हकीकत से नावाकिफ नहीं है कि उर्स और मेलों पर होता क्या है। मज़ारों को शिर्क का अड्डा बनाया हुआ है, मुजावर मज़ार पर आने वाली औरतों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं, आम लोग मेलों में घूमकर इश्क मुआशकी कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर बेहयाई, बेशर्मी और जीना का चूरन बेचा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे बंदो, औरत का तो सीधे सीधे मज़ार पर जाना ही हराम है। लिहाजा आपसे इल्तिजा है कि अल्लाह पाक की दी हुई इस खूबसूरत ज़िंदगी को शिर्क व बिदत से पाक रखें और चंद टकों के ऐसे ऑफरों पर अपने ईमान का सौदा न करें। हम सब सिर्फ एक बार अपने दिल पर हाथ रख कर ये सोचें कि क्या अल्लाह के नबी हमारे लिए यही दीन को छोड़ कर गए थे। क्या ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है? क्या ये अल्लाह का हुक्म है? क्या ये रसूल की इत्तिबा है? क्या ये सहाबा का तरीक़ा है? दोस्तों हम अपनी जन्नत और जहन्नुम के खुद ज़िम्मेदार हैं।